परसेप्शन क्रिएट्स रियालिटी इसमें मेरा इतना ज़्यादा मेरे तमाम कोर्सेज में बार 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 मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छी तरह से पता है ये बात कि योर परसेप्शन इज़ गोइंग टू क्रिएट योर रियालिटी एंड वॉट यू फोकस ऑन इन लाइफ ग्रोज ऑलवेज और ये एक पहला क्लू है जो मैं आपको दे रही हूँ जो आगे चल के मैंने आपको वो जो सीक्रेट देना है ना हाउ टू ऑलवेज हैंटीड और ये गारंटी मैं नहीं दे रही बाय द भाई ये गारंटी अल्लाह की तरफ से हंड्रेड परसेंट गारंटीड यू दैट यू विल हैव ब्लेसिंग इन योर लाइफ सो ये उसका एक क्लू है कि वॉट यू फोकस ऑन इन योर लाइफ इज गोइंग टू ग्रो फॉर एग्जाम्पल अब आपका जो ब्रेन है इट इज अ वेरी वेरी सुफिस्टिकेटेड एंड पावरफुल मशीनरी सॉफ्टवेयर आप समझ लें सो so, अभी आप मुझे देख रहे हैं यू कैन सी दिस दिस इज यू नो प्लांट बिहाइंड मी ये केलग्राफी भी लगी हुई है ये वो बट जब भी मैं आपके इंटरेस्ट की बात करूंगी आपका सारा फोकस मेरे ऊपर होगा राइट सो फर्ज कीजिए कि मैं और आप एक कमरे में बैठ के बात करें वी आर डूइंग एन इंटरव्यू टुगेदर सो चूंकि इंटरव्यू में बातचीत दोनों ने करनी है तो योर फोकस वुड बी ऑन मी और लेट्स से माई फोकस वुड बी ऑन यू एंड आई विल बी एबल टू कंडक्ट अ रियली गुड इंटरव्यू लेकिन अगर मैंने साइड से देखा अपनी की के कमरे में सांप दाखिल हो गया सडनली ऑल ऑफ माई फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द स्नेक नाउ द रेस्ट ऑफ द रूम विल नॉट एग्जिस्ट राइट हो सकता है मैं आपको वहीं पे छोड़ के भाग जाऊं <laughs> अपनी जान बचाने के लिए बाहर में गया इंटरव्यू बाहर में गई पॉडकास्ट मैं तो भाग रही हूं राइट इट्स कंप्लीटली चेंजेस योर रियलिटी सो फोकस जो है ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है द वे द ब्रेन इज द मोर यू फोकस ऑन समथिंग द मोर इट इज गोइंग टू ग्रो इन योर लाइफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्नेक पे फोकस किया और स्नेक बहुत दूर है मेरी लेकिन खौफ का आलम ये हुआ कि मुझे लग रहा है कि स्नेक ने मुझे आके बस डसने ही वाला है सो आई विल एक्ट वेरी इेशनली हो सकता है कि आप एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर हूं रियालिटी इफ यू यूर एबल टू अ हेल्थी वे इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ एंड ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू द एंड इज हाउ टू हैव ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ ऑलवेज एंड विद हंड्रेड परसेंट गारंटी सो Uh, एक एक्सपेरिमेंट किया uh, उन्होंने डॉक्टर्स ने द वेस्ट में कि उन्होंने कुछ लोगों को लिया और उनसे कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि uh, <coughs> uh, लोग जो हैं हाउ डू पीपल ट्रीट अदर पीपल विद फिजिकल डिफॉर्मिटीज राइट सो उनको कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिन लोगों के चेहरों पे फिजिकल डिफॉर्मिटी या स्कार्स या कुछ इस तरह का होता है तो हाउ डू पीपल ट्रीट दैम डज देर बिहेवियर चेंज सो आप अगर आज इरम हैं और आपको पता है लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं तो हम आपके चेहरे पे कुछ इस तरह का मेकअप अप करेंगे जिसकी वजह से लगेगा कि आपके चेहरे पे स्कार्स हैं और डिफॉर्मिटी है एंड देन वी वॉन्ट यू टू गेज हमें बाद में आके आपने रिपोर्ट करना है कि डिड पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू डिड पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली बिकॉज यू हैव अ डिफॉर्मिटी अब इसमें क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में ये एक प्री फ्रेम बन गया कि ये एक्सपेरिमेंट चूंकि इस चीज के लिए कर रहा है कि कि लोग कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो फिर लोग डिफरेंटली बिहेव करते ही होंगे गालिबा लोगों को प्रॉबर्ली पहले से भी ये बिलीव होगी बट उन्होंने इसको री कर दिया बाय गिविंग दिस इंस्ट्रक्शन दिस इज कॉल्ड प्री फ्रेमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है सो so, उसके बाद उन्होंने ये किया कि जब लोग तैयार हो गए जाने के लिए पब्लिक में तो हर एक को अदा लैदा, लैदा बहाने से ले जाके उन्होंने कहा जरा थोड़ा सा आपका ना ये जो हमने और बड़े गंदे स्कार्स बनाए हुए थे मुंह पे और ये वो तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ना हमें ठीक करना होगा मेकअप बिकॉज वो उतरने लगा है तो लेट मी फिक्स इट अप एंड नाउ दे कूडन सी इच अदर बट वट दे एक्चुअली डेड वॉज कि उन्होंने वो स्कार्स रिमूव कर दिए सॉरी uh, इससे पहले बताना भूल गई कि जब स्कार्स लगाए तो सबको शीशों में दिखाया कि आप देखें शीशे में ये स्कार आपके चेहरे पे है और ये यूं है और ये दे सॉ इट इट लुक वेरी बैड तो उसके बाद उन्होंने लेकिन जब जाने से पहले जब शीशे हटा दिए तो एक्चुअली उनके स्कार्स को रिमूव कर दिया वो जो मेकअप था उसको रिमूव कर दिया नाउ दे वर एक्चुअली लुकिंग लाइक दे नॉर्मली डू उनको ये बात पता नहीं थी राइट right? उनके दिमाग में ये था कि मेरे चेहरे पे बहुत बदनुमा स्कार्स हैं अब जब वो एक लोगों के साथ इंटरक्ट करके वो वापस आए ऑल ऑफ देम रिपोर्टेड दैट दे वर मिसट्रीटेड दैट पीपल वर नॉट काइंड टू देम दैट पीपल वर स्टेयरिंग एट देम लोग वी एड एक्ट रहे थे लोग यू एक्ट कर रहे थे लोग यानी ऑल ऑफ देम हैड दिस प्री कंसीव नोशन के नंबर वन आई हैव अस्कार ऑन माई फेस विच इज बदनुमा नंबर 2 पीपल प्रॉब्बली विल ट्रीट मी डिफरेंटली ऑल ऑफ दैम रिपोर्टेड being treated differently. और फिर जब उनको ये शीशे दिखाए गए कि actually तो आपके चेहरे पे अब scar था ही नहीं, they were shocked because their experience was very real. That's the key point. उन्हें वो यकीन कि फिर लोगों ने मुझे different क्यों treat किया? Actually लोगों ने different treat नहीं किया, but चूंकि ये perception build हो चुकी थी mind में, this is how they perceived the whole interaction with people. So, this is science proving through an experiment that your perception is going to create your reality.